जनपद महोबा में जंगल बचाओ दिवस के रूप में बुंदेली समाज के लोगों ने महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य दिवस पर सड़क के किनारे लगे वृक्षों को साड़ी से बने रक्षा सूत्र बांधे और उनको गले लगाया। साथ ही उनकी रक्षा का संकल्प लेते हुए ईश्वर से बक्सवाहा जंगल को कटने से बचाने के लिए प्रार्थना की। आपको बता दें कि बुंदेली समाज के लोगों ने महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य दिवस पर सड़क के किनारे लगे वृक्षों को साड़ी से बने रक्षा सूत्र बांधे और उनको गले लगाया, साथ ही उनकी रक्षा का संकल्प भी लिया। बताते चलें कि इससे पूर्व पर्यावरण दिवस पर बुंदेलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से खत लिखकर बक्सवाहा जंगल को बचाने की गुहार लगाई थी। बुंदेलों ने लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस को आज महोबा सहित पूरे बुंदेलखंड में जंगल बचाओ दिवस के रूप में मनाया। बुंदेलों के हाथ में बक्सवाहा जंगल को कटने से बचाना है। हीरा नहीं हरियाली चाहिए, बुंदेलखंड की खुशहाली चाहिए। जैसी तख्तियों के साथ महारानी लक्ष्मीबाई की वे तस्वीरें भी थी जिनमें वे अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर तलवार लिए घोड़े पर सवार हैं। आपको बता दें कि आज सुबह यह कार्यक्रम 6 बजे से लेकर पुलिस लाइन रोड पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने बताया कि एक तरफ सरकार ऑक्सीजन की दिक्कत को दूर करने के लिए भारी रकम खर्च कर ऑक्सीजन प्लांट लगवा रही है, वहीं दूसरी ओर चंद हीरो के लालच में हमारे असली ऑक्सीजन प्लांट जंगल कटवाने पर आमदा है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए कौशलेंद्र राठौर की रिपोर्ट। हीरा नहीं हरियाली चाहिए। लेकर के भी एक ज्ञापन दिया गया। जैसा कि पूरे विश्व ने देखा है कि ऑक्सीजन की महत्ता क्या है, हमको डायमंड नहीं चाहिए, हमको पहले सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और हमारा जो बृहद कम से कम 3 लाख पेड़ों को जो कटान काटने के लिए भारत सरकार ने NOC जारी की है, उसके विरोध में हमने ये ज्ञापन आज माननीय उपजिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार उनको भेजा है ताकि इस पर अमल किया जाए। हमारा पृथक बुंदेलखंड राज्य का जो हमेशा शगुफा बनाते हैं, इसको अमली जमा पहनाया जाए। इसी संदर्भ में आप खंड के गांधी माननीय तारा पाटकर जी के नेतृत्व में जो पृथक बुंदेलखंड की मांग बहुत ज़ोरों से उठाई, उन्होंने आज ये प्रदूषण और पर्यावरण से संबंधित बुंदेलखंड की खुशहाली के लिए जो वृक्ष हैं और बुंदेलखंड की खनिज संपदा और वन संपदा, यही बुंदेलखंड की सबसे बड़ी संपदा है और उसको भी साजिश के तहत काटा जा रहा है, उसके विरोध में जो आवाज़ उठाई, हम सब बुंदेली भाई हमारे बुंदेलखंड के गांधी तारा पाटकर जी के साथ में हैं और पेड़ों को हम लोग किसी सूरत में नहीं कटने देंगे, क्योंकि यही पेड़ आज अभी परिवेक्ष में ऑक्सीजन की कमी आप सभी को मद्देनजर है और इन्हीं पेड़ों से सब लोग कहते हैं कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान, अगर एक वृक्ष कटता है तो आप समझ लीजिए कि हम लोगों का कितना बड़ा नुकसान है। हम लोग तारा पाटकर जी के नेतृत्व में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी सूरत में बक्सवाहा के जंगलों को कटने नहीं देंगे। जय जय बुंदेलखंड।